चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर सिक्स। पहला क्वेश्चन है ये, लेट फाई ऑफ एक्स इक्वल टू ए एनी नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट एक्सपोनेंशियल नेगेटिव एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर शोज दैट द वेव फंक्शन एक्सरसाइज फाई ऑफ एक्स पी एक्स फाई ऑफ एक्स रिप्रेजेंट द सेम स्टेट ऑफ ए फंक्शन सेम स्टेट ऑफ ए फंक्शन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक पोजिशन ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर है। अच्छा, पोजिशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर के लगाने के बाद, ठीक है, ऑपरेशन करने के बाद जो हमको आइगन स्टेट मिलेगा वो सेम आइगन स्टेट होना चाहिए। तो यहाँ पे देख के पता चलता है कि सेम आइगन स्टेट होगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स जो मल्टीप्लाई होगा तो एक्स ही रहेगा, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे पी एक्स है, पी एक्स का मतलब क्या होता है, नेगेटिव आई एच क्रॉस डेल्टा अपन डेल्टा एक्स। तो अगर एक बार डेरिवेटिव करेंगे इसको तो एक्स बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब है वो एक्स मल्टीप्लाई होके ही रह जाएंगे दोनों जब एक्स और पी एक्स को ऑपरेट करेंगे, तो ये सेम स्टेट ही हुआ, ठीक है। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन उसका। सो एक्स फाई ऑफ एक्स, तो एक्स ए ई टू द पावर नेगेटिव एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, तो ये आंसर ही रहेगा, इसका और कुछ नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू फाई ऑफ एक्स इक्वल टू नेगेटिव आई एच क्रॉस डेल्टा अपन डेल्टा एक्स ए ई टू द पावर नेगेटिव एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। तो पहली बार डेरिवेटिव कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव टू एक्स अपन ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि जब हमने एक ऑपरेटर को एक आइगन स्टेट के ऊपर ऑपरेट किया तो एक कॉन्स्टेंट, ये तो एक कॉन्स्टेंट ही है, तो एक्स मल्टीप्लाइड बाई वो सेम वे फंक्शन जो पहले था वो आ गया है, तो दोनों में आप कंपेयर कर सकते हैं, तो एक्स एक्स ही मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, तो ये सेम स्टेट ऑफ वे फंक्शन है ऑफ बोथ स्केल्ड बाय एक्स है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड फाई ऑफ एक्स फॉर विच एक्स फाई ऑफ एक्स इक्वल टू नेगेटिव आयोटा ए स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस, ठीक है, पी एक्स फाई ऑफ एक्स, हियर ए इज ए रियल पॉजिटिव क्वांटिटी। आप ये देख सकते हैं, तो हमको यहाँ पे फाई एक्स पूछा हुआ है, ठीक है, तो अगर फाई एक्स पूछा हुआ है हम इसको पी एक्स को नेगेटिव आई एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये हमने लिख लिया। तो बेसिकली हम ये क्या करेंगे ना, जो ये इंटीग्रेशन करके हम फाई ऑफ एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं सोल्यूशन में क्या दे रखा है, तो एक्स इक्वल फाई ऑफ एक्स इक्वल टू नेगेटिव आयोटा ए स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव आई एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स इंटू फाई ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव आयोटा और ये आयोटा तो नेगेटिव वन हो गया, ठीक है, एच क्रॉस कट गया, तो नेगेटिव ए स्क्वायर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा डेल्टा फाई एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, यहाँ पे एक्स फाई ऑफ एक्स, तो ठीक है, तो हम एक्स और डी एक्स को यहाँ ले लेते हैं और फाई एक्स को यहाँ पे लेके इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया, लॉन फाई ऑफ एक्स लॉगरिथम नेचुरल लॉग फाई ऑफ एक्स इक्वल टू नेगेटिव एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो c को हम ये लिख सकते हैं लॉन फाई ऑफ एनी कॉन्स्टेंट c, ठीक है, तो हमने ये सॉल्यूशन लिया, तो ये रिक्वायर्ड। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, लेट फाई साई ऑफ x इक्वल टू a एनी नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट e टू द पावर नेगेटिव एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आयोटा के एक्स, ठीक है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ साई ऑफ x साई ऑफ x एंड पी एक्स साई ऑफ x एट x इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं, पहले साई ऑफ एक्स में अगर जीरो पुट कर लें तो यहाँ पे e टू द पावर जीरो और यहाँ पे भी e टू द पावर जीरो, तो क्या हो जाता है, a हुई बच जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन, अगर x पे मल्टीप्लाई भी कुछ है अगर जीरो पुट कर देते हैं तो जीरो हो जाता है एज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो, ठीक है। दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं, पी एक्स साई ऑफ एक्स, तो एक बार डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव आई एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स साई ऑफ एक्स, ये एक है टेंसर के टर्म में इसको डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स को डिनोट करते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म में लिख लिया है। तो नेगेटिव आई एच क्रॉस ए ई टू द पावर नेगेटिव एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आई के एक्स, जो कि ई टू द पावर एक्स जो अगर डेरिवेटिव करेंगे तो वही आ जाएगा, फिर इसको हम डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल से, ठीक है, तो नेगेटिव टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस आई के, फिर हम अगर एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर लेंगे तो ये वाला जीरो हो जाएगा, ठीक है, ई टू द पावर जीरो ये वन हो जाएगा, तो नेगेटिव आई एच क्रॉस ए मल्टीप्लाई बाई आई के, ठीक है, तो आई और नेगेटिव आयोटा वन हो जाएगा, तो आंसर आ गया ए एच क्रॉस। पहले चौथा देखते हैं, लेट साई ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन रूट ओवर ऑफ ए ई टू द पावर नेगेटिव मॉड एक्स अपॉन ए स्केच द वेव फंक्शन पी ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स, ठीक है, देख लेते हैं। तो देखिए मॉड ऑफ एक्स, आपको पता होगा कि मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, अगर नेगेटिव पार्ट में वो नेगेटिव एक्स होता है और पॉजिटिव पार्ट में
पॉजिटिव एक्स होता है, ठीक है। तो अगर हम नेगेटिव एक्स देखें तो एक्स अगर नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, और अगर पॉजिटिव देखते तो ये पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कि जो पी एक्स जो ऑपरेटर है, मोमेंटम का ऑपरेटर, जब हम साई ऑफ एक्स के ऊपर लगाते हैं फिर क्या होता है, ठीक है। तो नेगेटिव आई एच क्रॉस आ जाएगा अपॉन रूट ओवर ऑफ ए ई टू द पावर एक्स अपॉन ए वन अपॉन ए, यहाँ पे नेगेटिव वन अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वन अपॉन ए, यहाँ पे नेगेटिव वन अपॉन ए, तो फिर पहले क्यों नेगेटिव था, तो आई एच क्रॉस ए टू द पावर रूट थ्री अपॉन टू हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज है, ठीक है। तो हम इसका पहले कर लेते हैं, अगर x इक्वल टू नेगेटिव x में देख लेते हैं तो x इक्वल टू जीरो में क्या आ जाएगा, इसका x इक्वल टू जीरो में ये आ जाएगा नेगेटिव आई एच क्रॉस अपॉन ए टू द पावर थ्री अपॉन टू, जो ये की है, ठीक है। और इसका x इक्वल टू जीरो में है आई एच क्रॉस अपॉन ए टू द पावर थ्री अपॉन टू, क्योंकि ई टू द पावर जीरो तो वन हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो फिर देख लेते हैं कि इन्फिनेट में क्या होगा। अब इसमें इस पार्ट में ये वाला है, ठीक है। तो जब x इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी लगाएंगे e टू द पावर नेगेटिव इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे डिक्रीज होगा, जैसे कि एक्सपोनेंशियल नेगेटिव एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है, ठीक है। फिर इसका हम देखेंगे, इसका हम क्या होगा, एट नेगेटिव इन्फिनिटी यहाँ पे एक नेगेटिव इन्फिनिटी ये जीरो होगा, ठीक है। तो ये पहले डिक्रीज होते होते यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी में जीरो होगा, ठीक है। तो ऐसा होगा उसका ग्राफ, ठीक है। चलो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ पी एक्स बाय सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन पी ऑफ एक्स फाई ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा फाई ऑफ एक्स, ठीक है। चलो पी ऑफ एक्स फिर से मोमेंटम का ऑपरेटर आ गया, तो नेगेटिव आई एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स फाई ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा फाई ऑफ एक्स, ठीक है। तो फिर यहाँ पे फाई ऑफ एक्स यहाँ ले आते हैं और x यहाँ पे ले आते हैं, जो कि हम मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो डेल्टा अपन फाइव एक्स और फाइव एक्स अगर यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो नेचुरल लॉग फाइव ऑफ x आ जाएगा, और यहाँ पे बस मल्टीप्लाइड बाई x आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, और ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ जाएगा लॉन्ग फाइव ऑफ जीरो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। इज द फंक्शन साई ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर ए इंटू ए टू द पावर नेगेटिव एक्स अपॉन ए एन आइगन फंक्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर ऑफ ए पार्टिकल। तो आपको पता होगा कि आइगन फंक्शन कब होता है, जब कोई वेव फंक्शन आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन होता क्या है, आइगन वैल्यू इक्वेशन ये होता है कि अगर कोई ऑपरेटर है, कोई अगर वेव फंक्शन के ऊपर उसको ऑपरेट करते हैं तो इक्वल टू वो एक नंबर मल्टीप्लाइड बाई वही सेम वेव फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तब उसको बोलते हैं कि आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर ये होता है नेगेटिव एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, बेसिकली वो पी स्क्वायर अपॉन टू एम होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अपॉन इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम होता है। तो पी इक्वल टू नेगेटिव आई एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स जब हम पुट करते हैं तो ये आता है, ठीक है। तो के मान लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को मैं के डिनोट कर लेता हूँ, तो के साई एक्स इक्वल टू होता है नेगेटिव एच क्रॉस अपॉन टू एम डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ई ए ई टू द पावर नेगेटिव एक्स अपॉन ए, जो कि हमारा वेव फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो अगर एक्सपोनेंशियल है तो कब, जब तक आप उसको डेरिवेटिव करते रहोगे तो वही आ जाएगा, और ये जो टर्म है नेगेटिव वन अपॉन ए वो स्क्वायर हो जाएगा, तो वन अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब फिर उसको हम यहाँ पे ए लाके यहाँ पे रख दे तो क्या हो जाएगा, ए ई टू द पावर नेगेटिव एक्स अपॉन ए, तो वही वेव फंक्शन आ गया। तो और एच क्रॉस टू एम ए ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे ए कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बोला था कि आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होता है, आइगन वैल्यू इक्वेशन ये होता है कि जब एक ऑपरेटर को वेव फंक्शन के द्वारा ऑपरेट किया गया, ठीक है, फिर रिजल्ट में क्या आ गया कि एक नंबर आ गया, फिर वो एक वेव फंक्शन वही वेव फंक्शन आ गया, तो उसको हम बोलते हैं कि आइगन फंक्शन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक नंबर है, ठीक है, और नंबर क्या है, उसका डायमेंशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आइगन वैल्यू क्या है, नेगेटिव एस क्रॉस अपॉन टू एम ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए एक नोट देखते हैं, ये नोट आपको याद रखना है कि वेव फंक्शन कब होगा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर।
जब एक्सपोनेंशियल साइन और कोसाइन होगा, क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल को डबल डेरिवेटिव करने से एक्सपोनेंशियल आता है, साइन एंड कोसाइन को डबल डेरिवेटिव करने से साइन एंड कोसाइन रेस्पेक्टिवली आ जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट साई ऑफ एक्स इक्वल टू ए ई टू द पावर नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव आई के एक्स इज एन आइगन फंक्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। वही आपको नोट यूज करना है कि एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होगा ही, और वही चीज हमको करके हम आइगन वैल्यू एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन टू ए ले आना। पहले एट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपांड द फंक्शन साई ऑफ एक्स इक्वल टू ए साइन के एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन टू के एक्स इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइगन फंक्शन ऑफ द मोमेंटम ऑपरेटर पी एक्स। तो चलो देखते हैं कि मोमेंटम ऑपरेटर कब होता है। मोमेंटम ऑपरेटर तब होता है का आइगन फंक्शन तब होता है जब वो एज ए एक्सपोनेंशियल हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि साई ऑफ एक्स इक्वल टू ए साइन के एक्स साइन टू के एक्स फंक्शंस विल बी आइगन स्टेट ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर इफ एंड ओनली इफ द फंक्शन इज ए फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल। दैट मीन्स इज ए फर्स्ट डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल इज ए एक्सपोनेंशियल इटसेल्फ, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक इज एज ए ई टू द पावर आयोटा के एक्स। ओके, सो वी कैंट हैव साइन के साइन एक्स और कोसाइन लाइक कोसाइन फंक्शन साइन फंक्शन बिकॉज रेस्पेक्टिव डेरिवेटिव्स आर अपोजिट। लाइक इफ साइन एक्स इफ वी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स एंड कॉस एक्स डेरिवेटिव इज साइन एक्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि हम ये करेंगे कि हम ये जो वेव फंक्शन दिया हुआ है वो हम एक्सपोनेंशियली लाइक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रूप में हम उसको लिखेंगे। ठीक है, तो हम ये लिखा कि साई ऑफ एक्स इक्वल टू ए साइन के एक्स इंटू साइन टू के एक्स, फिर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई टू और डिवाइड बाई टू कर दिया है, तो ए अपॉन टू इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटू कॉस के एक्स माइनस कॉस थ्री एक्स। ये मैंने ये फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू टू साइन ए इंटू साइन बी। तो ए दे रखा है के एक्स और बी दे रखा है टू के एक्स, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉस के एक्स माइनस कॉस थ्री के एक्स। आपको पता है कि साइन और कोसाइन को हम इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल लिख सकते हैं, तो कॉस टर्म को हम ये लिखते हैं कि ई टू द पावर वो फंक्शन प्लस ई टू द पावर नेगेटिव फंक्शन अपॉन टू, और अगर हम साइन को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ई टू द पावर आई के एक्स प्लस ई टू द पावर नेगेटिव आई के एक्स अपॉन टू आयोटा, हम ये लिखते हैं। ठीक है, तो हम दोनों कॉस है तो हम ऐसे लिख लेंगे, तो इक्वल टू ए अपॉन फोर ई टू द पावर आई के एक्स प्लस ई टू द पावर नेगेटिव आई के एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस थ्री आई के एक्स माइनस ई टू द पावर थ्री आई के एक्स, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आइगन वैल्यूज ऑफ एनर्जी फॉर ए पार्टिकल आर ई नॉट ई वन एंड द करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस आर फाई नॉट फाई वन। ओके, इफ ए मेजरमेंट ऑफ एनर्जी यील्ड्स ई नॉट वट वुड बी द वे फंक्शन जस्ट आफ्टर द मेजरमेंट। ठीक है, तो हम ये लिखते हैं कि वी डिफाइन करते हैं कि साई जो एक स्टेट है इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस लाइक फाई नॉट फाई वन एंड लाइक दैट। ओके, सो वी फाइंड एनर्जी ऑफ ई नॉट, तब एनर्जी हम किसका करेंगे, पहले का ही एनर्जी करेंगे ना। ठीक है ना, ऑफ ई नॉट वेन द वे फंक्शन इज इन द ग्राउंड स्टेट, दैट मीन्स ए स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। तो ग्राउंड स्टेट हम क्या लेते हैं उसको फाई नॉट लिखेंगे। अगर मान लो कि हम ये पूछते हैं कि इफ ए मेजरमेंट ऑफ एनर्जी यील्ड्स ई वन व्हाट वुड बी द वे फंक्शन जस्ट आफ्टर मेजरमेंट, व्हाट द आंसर, फाई वन, करेक्ट। सो यहाँ का आंसर है फाई। दसवा क्वेश्चन है, फाइंड द आइगन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर एक्स प्लस आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस। ठीक है, तो ये हमको ये करना है कि आइगन फंक्शन करना है। चलो, तो हमने बताया कि मैंने जो बताया था कि आइगन वैल्यू इक्वेशन वो लिख लेते हैं और मान लेते हैं कि इसका आइगन वैल्यू लैम्डा है। ठीक है, तो कोई भी आप मान सकते हैं। ठीक है, और उसका आंसर के हिसाब से जो बुक के क्वेश्चन में जो आंसर दिया हुआ है एक्सरसाइज के आंसर दिया हुआ है उसके हिसाब से मैंने लैम्डा आइगन वैल्यू लिया हुआ है। ठीक है, तो चलो ऑपरेटर यहाँ पे दे रखा है एक्स प्लस आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस, तो मैंने लिख लिया एक्स प्लस आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस, और मैंने मान लिया कि कोई भी एक वेव फंक्शन
phi of x है, आप psi of x कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो phi of x equal to lambda phi of x, तो ये है actually eigen value equation, एक operator है, एक wave function है जिसको आप operate करते हो, और equal to एक number multiplied by वही wave function आ जाता है, तो हम उसको eigen value equation बोलते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, x plus negative iota, okay, iota upon h cross, यहाँ पर px क्या होता है, negative ih cross delta x, delta upon delta x, ठीक है, multiplied by phi f, x equal to lambda phi of x। चलो एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे px है, ठीक है, और यहाँ पे सारे x है, और ये एक p रह गया है, ठीक है। तो हम सबको position basis में ले आना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो wave function है, वो एक खुद ही x है। चलो हम मान लो कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं x पे नहीं करूंगा, पोजीशन बेसिस में नहीं करूंगा, मैं मोमेंटम बेसिस में करूंगा, ठीक है। तो हम phi of p ले लेते हैं और phi of p यहां पे ले लेते हैं, तो हम x को मोमेंटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम पहले इसका देख लेते हैं कि वेव फंक्शन पोजीशन बेसिस में कैसे करें, ठीक है। तो पोजीशन बेसिस में ये मैंने यहाँ पे आयोटा, नेगेटिव आयोटा और आयोटा यदि तो वन हो गया, एच क्रॉस यहाँ पे तो कटी गया, तो एक्स प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल मल्टीप्लाइड बाई फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू लामडा फाइव ऑफ एक्स हो गया। चलो, सो एक्स फाइव ऑफ एक्स लामडा फाइव ऑफ एक्स को एक बार यहाँ पे ले आते हैं लामडा माइनस एक्स, ठीक है, और जो यहाँ पे डेल्टा एक्स है तो यहाँ पे ले आते हैं डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे रह गया डेल्टा फाइव ऑफ एक्स अपॉन फाइव एक्स, तो चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेट करने का आपको पता है कि नेचुरल लॉग यहाँ पे आ गया फाइव ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा लामडा एक्स नेगेटिव एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस यहाँ पे नेचुरल लॉग कोई भी एक कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो चलो यहाँ पे जब आ जाता है वो डिवाइड में लग जाता है नेचुरल लॉग फाइव ऑफ एक्स अपॉन फाइव ऑफ सी इक्वल टू लामडा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और फाइव ऑफ सी आ गया फाइव ऑफ सी ई टू द पावर लामडा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू। दोस्तों यहाँ पे उसका इसका आंसर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जब बुक का जो सोल्यूशन है आंसर है वो लाने के लिए हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और इसको परफेक्ट स्क्वायर करेंगे। हमने यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर कर लिया है, ठीक है, और ये दोनों एक कॉन्स्टेंट आ गया फाइव ऑफ सी और ई टू द पावर लामडा स्क्वायर अपॉन टू, और मैंने इसको फाइव ऑफ सी ई टू द पावर लामडा स्क्वायर अपॉन टू को फाइव नॉट लिख लिया है। तो हमने ये आंसर लिया है जो कि ये आंसर दिया हुआ है बुक में, ठीक है, ये आंसर। चलो ये खत्म हो जाता है चैप्टर सिक्स।